दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम वेक्टर डायोड से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेक्टर डायोड का सिंबल देख लेते हैं। जो हमारा वेक्टर डायोड का सिंबल है वो कुछ इस प्रकार होता है, ठीक। वेक्टर डायोड का सिंबल हमारा डायोड की तरह होता है, लेकिन उसके जो कंजक्शन कुछ इस प्रकार होता है और इसको हम एक सर्कल में रख देते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द वेक्टर डायोड इज यूजली, यानी कि जो हमारा वेक्टर डायोड है वो किस प्रकार का है। ऑप्शन ए दिया है रिवर्स बायस, बी दिया है फॉरवर्ड बायस, सी अनबायस, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रिवर्स बायस, यानी कि वेक्टर डायोड एक रिवर्स बायस क्या है कि डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेक्टर डायोड इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए बल्क डिवाइस, बी स्टेप रिकवरी डायोड, डी ऑटो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डायोड, सी वेरी कैप। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी वेरी कैप। तो हम वेक्टर डायोड को एज ए वेरी कैप के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कलर टीवी रिसीवर वेक्टर डायोड इज यूज फॉर, यानी कि हम कलर टीवी के रिसीवर में वेक्टर डायोड को किस रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है डिटेक्टर, बी रेक्टिफिकेशन, सी ट्यूनिंग, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्यूनिंग, यानी कि कलर टीवी रिसीवर में हम वेक्टर डायोड को एज ए ट्यूनिंग के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मूविंग पार्ट नो मूविंग पार्ट इज एसोसिएटेड विथ द चेंज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ, ऑप्शन ए दिया है ट्रिमर, बी वेक्टर, सी कैंग कैपेसिटर, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, यानी कि वेक्टर डायोड में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है जो कि उसके कैपेसिटेंस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द वेक्टर डायोड आर यूज इन एफएम रिसीवर टू ऑब्टेन, यानी कि वेक्टर डायोड को हम एफएम रिसीवर में किस रूप में यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, बी दिया है ऑटोमेटिक नॉइज कंट्रोल, सी दिया है ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, डी दिया है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं कि एफएम रिसीवर में वेक्टर डायोड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए वेक्टर डायोड हैज, यानी कि वेक्टर डायोड में किस प्रकार का कैपेसिटेंस होता है। ऑप्शन ए दिया है फिक्स कैपेसिटेंस, बी दिया है वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस, सी दिया है फिक्स इंडक्टेंस, डी दिया है ए फिक्स वेरिएबल इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस, यानी कि हमारा वेक्टर डायोड एक वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस टाइप क्या है कि डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिकली ए वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटेंस, यानी कि नीचे जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस है। ऑप्शन ए जीनो डायोड, बी डायोड, सी वेक्टर डायोड, डी एलईडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेक्टर डायोड। वेक्टर डायोड क्या है कि हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस टाइप डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि द वेक्टर आर यूज एज, यानी जो हमारा वेक्टर डायोड है उसको हम किस प्रकार यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, इन जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्यून्ड सर्किट, ऑप्शन दिए ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि वोल्टेज वेक्टर डायोड को इन ए पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, जनरेशन ऑफ एफएम सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक ट्यून्ड सर्किट, सभी में हम इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आइए और देख लेते हैं कि हम जो वेक्टर डायोड है इसका कहां कहां उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि वोल्टेज कंट्रोल ओसिलेटर, सी आगे के पैरामेट्रिक एम्पलीफायर एंड फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। वोल्टेज कंट्रोल ओसिलेटर हैव मेनी एप्लीकेशन सच एज फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन ऑफ एफएम ट्रांसमीटर एंड फेज लॉक लूप, यानी कि जो हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर है इसको आगे हम एफएम ट्रांसमीटर में और फेज लॉक लूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस इज इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ वेक्टर डायोड, यानी कि जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड क्या करते हैं कि रिवर्स बायस का वेक्टर डायोड में इंक्रीज करते हैं, इसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीजेज, बी दिया है डिक्रीजेज, सी दिया है फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि रिवर्स बायस को इंक्रीज करते हैं इसका कैपेसिटेंस क्या होता है कि डिक्रीज करता है। अब कैसे डिक्रीज करता है ये देख लेते हैं, ठीक।
कि व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस इज इंक्रीजेज थिकनेस ऑफ द डिफ्लेशन लेयर इंक्रीज, यानी कि जैसे जैसे हम रिवर्स बायस का क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं, उसकी थिकनेस क्या होती है इंक्रीज की जगह अब डिक्रीज करने लगती है। ठीक, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस इंक्रीज थिकनेस ऑफ डिफ्लेशन लेयर इंक्रीज, तो जैसे जैसे हम मैग्नीट्यूड क्या करते हैं कि रिवर्स बायस इंक्रीज करते हैं उसकी थिकनेस भी क्या होती है कि इंक्रीज करने लगती है। ठीक, तो सो कैपेसिटेंस डिक्रीजेज बिकॉज कैपेसिटेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, तो इस तरह क्या होता है कि उसका जो कैपेसिटेंस है वो भी डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो उसके थिकनेस यानी कि डायोड के थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।